गाजीपुर के बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा ने नामांकन किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला समेत कई दिग्गज शामिल हुए। अमित शाह ने मनोज सिन्हा के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए जनता से वोट की अपील की, साथ ही साथ विरोधियों पर सियासी तीर छोड़ते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। मनोज जी कहते हैं रेल बिछा दी, रोड बिछा दिया, पानी दे दिया। अरे भाई, मनोज सिन्हा को रेल के लिए मत जिताना, ध्यान से सुनना गाजीपुर वालों, मनोज जी को पाक बीमा के लिए मत जिताना, किसानों के ऋण माफ करने के लिए मत जिताना, पानी पहुंचाया मत जिताना, गरीब के घर में शौचालय, गैस, गरीब को घर देना, बिजली पहुंचाना मत जिताना। ये तो मनोज सिन्हा का दायित्व है। मनोज सिन्हा को जिताना, हमारे नरेंद्र मोदी ने देश को सुरक्षित किया है। इसलिए तो नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले 10 साल तक यूपीए की सरकार थी। ए मोनी बाबा मनमोहन सिंह यूपी के प्रधानमंत्री थे। सपा बसपा कांग्रेस सब मिलकर सरकार चलाते थे। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया, जिसका जी खाता था घुसते थे या नहीं घुसते थे। अपने जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मौनी बाबा मुझसे उफ नहीं निकालते थे, उफ नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उरी पर हमला किया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये निंदा करने वाले कहने लगे सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट अ पॉलिसी, इट वॉज फ्लू, ये नीति नहीं है, ये अचानक अचंभे में किया हुआ काम है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।